केवल अपने हाथों की सर्कुलेशन बढ़ाते हुए, भैया ये जो हम कर रहे हैं ना, ये मेरे सेकंड पार्टनर को पूछना कि कैसा रास्ता है। मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, कि उनको बोलना कि दिल से बताएं कि ये कैसा रास्ता है। ये इतना आसान नहीं है। हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मगर ये ट्रैक करना और इन हैवी गाड़ियों में कोई आसान बात नहीं है ये। तो चलो सर, चलो चलो। तो ये अब निकल रहे हैं, बानू जी भी इनके पीछे पीछे। मैं भी लो धक्का भी मार देता हूँ जी। ये लो जी, तो मेरा भी बानू जी ने न्यूट्रल खराब कर दिया। देख लो, उतराई में भी गाड़ी स्किड कर रही है, और चढ़ाई में क्या होगा। इसीलिए बोला कि चढ़ने से उतरना मुश्किल होता है। वहां तो आप एक्सीलेटर कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी एक्सीलेटर ज़्यादा काम किया नहीं तो भाई बहुत मुश्किल है। बानू, पिछली बार इतना नहीं बड़े मोर लबे, इस जगह बड़ा मोर लबे मिगी। ओ भाई 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 भाई, और उनके पर कम से कम भी ये देखिए स्ट्रेच बह गया हुआ है, बह गया हुआ है। उतराई हो तो उसके बाद तो भाई ऐसा ही होता है। ओवर हो जाती है ना गाड़ी, उसके कारण ये चीज। जब से स्टार्ट किया पहला बार वो स्टार्टिंग में मिला था, ये दूसरा खाएगा। ये नीचे का नजारा, हाँ जी उतरना मुश्किल होता जा रहा जी, क्योंकि उतरने चढ़ते तो कोई गल नहीं, तुसे अगे गड्डी चलानी है, एक्सीलेटर दे जाओ, अपनी गड्डी की करना। उतरते वेले तो ज्यादा, ये देखो बैठने की जगह बानो जी, ये सामने जगह मैं दसा वा तद अखा हट के चलो, ये जगह बैठने का। ये व्यू है,
वो सामने ऊपर मथुवार दिख रहा है पहाड़ पे आपको, और ये आप कैंपिंग साइड पे कहीं पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो इसके। लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये दो रास्ते हैं, ये एक इधर रास्ता, ये हमारे वाला, ये राइट वाला, लेफ्ट वाला रास्ता ये हमारा। ये वो रास्ता है जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा था कि ये शिब्बा के पास आसपास कहीं निकलता है, और अब हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये निकलता है सीधा महात्मा गांधी मेमोरियल, कुछ लिखा हुआ है जिला का नाम, ये यहाँ का घर है। ये तीसरा घर मिला ये, जब से सोया माता से स्टार्ट किए, अब इसका मतलब लोग पब्लिक यहाँ रहना शुरू हो गई है। अब बड़े पत्थरों से छोटे 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 पत्थर आ गया कंकड़ वाले, पक्का रास्ता कब मिलेगा? पक्का रास्ता अभी आएगा, अभी उतनी जल्दी नहीं आता।
दोस्तों पक्का रास्ता तो हमको मिल गया है, अब ये आइडिया नहीं है कि हमने कहाँ पे जाना है, किस तरफ जाना है, और शायद इस तरफ जाएं तो और लोकेशन होगी, ये मथुआर को ना जा रहा हो रास्ता, और ये रास्ता जो है वो मुझे लगता है ये रास्ता जो होगा ये बम्याल को जाएगा, और ये रास्ता, भानू जी आप क्या बोलते हो जी? भानू जी बोलिए, कोई कोई व्यू दीजिए कि ये रास्ता और ये रास्ता कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये। हाँ जी बताऊंगा, नहीं करूंगा। हाँ जी, ये जो रोड मिली है ना। हाँ जी हाँ जी, ये मिला है मेरे को स्वर्ग। बिल्कुल ये वाह, ये होती है राइडर की पहचान। राइडर ने अपनी राइड कंप्लीट की है ऑफ रोड पे। भैया ये ऑफ रोड वीडियो तो देख रहे हो, आके करना और बानू जी से बात करना कि कैसा रोड था, इसलिए क्योंकि जब आदमी ऑफ रोड छोड़ के उसको ब्लैक टॉप मिलती है, वो इसीलिए वो गाड़ी और सड़क को, ये दोनों को प्रणाम होता है। तो लेकिन एक बात है, मजा बहुत आ गया, सुकून कहते हैं, सुकून। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब हम वेट कर रहे हैं कि कोई आए, उतना टाइम हमें भी, क्योंकि ऐसा ना हम किसी रॉन्ग साइड चले जाएं। और मेरे आइडिया से ये साइड है हमारी जाने की, मेरा जो आइडिया है, अब गलत भी हो सकता है, इतना मैं तो अंतर्यामी हूं नहीं, इसलिए किसी का वेट कर लेते हैं, साथ में 5-7 मिनट रेस्ट हो जाएगी। ठीक है बानू जी, मिलते हैं फिर, ओके बाय, अगले एपिसोड में ही मिलते हैं, अभी आगे भी एपिसोड होगा, बाय।